सर थ्री थ्री आएगा, और पीसीएल फाइव का सिक्स आ जाएगा, है ना। पीसीएल फाइव ये डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, टेट्राटोमिक बोलते हैं, फिर पीसीएल फाइव वगैरह में जाके हम लोग पॉलीटोमिक बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके लिए हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और वो क्वेश्चन है फाइंड मॉलिकुलर मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स, है ना। सो ठीक है, इसमें मैं आपको दे रहा हूं O2, मैं आपको दे रहा हूं N2, मैं आपको दे रहा हूं CO2, मैं आपको दे रहा हूं H2O, मैं आपको दे रहा हूं D2O, मैं आपको दे रहा हूं T2O, ये दे रहा हूं। सो अब आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो वो स्टूडेंट जिसको एटॉमिक मास क्लियर है उसको मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर रहेगा। एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। सो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेरी गुड। सो जब भी आपसे कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो आप बताओगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इस तरीके से बताओगे, ठीक है? Yes. अरे बस में? तो इसको आपको मास ऑफ जो है ना वो वन मॉलिक्यूल जो है ना वो आप बोल सकते हैं कि ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो O2 के वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? टू एटम्स है। तो O2 के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं आपके पास, एक ये ऑक्सीजन एटम है और एक ये ऑक्सीजन एटम है। ये वाले ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 AMU, ठीक है। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 16 AMU, that become 32 AMU, ठीक है। So now N2 का कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो। 28 AMU, और इसका कितना हो जाएगा? 44 AMU, वाटर का सर, वाटर का हो जाएगा 18 AMU, और D2O का? D2O का सर, परीक्षा आंसर करेगी D2O का, और कोई आंसर कोई नहीं बोलेगा। परीक्षा, D एटम का कितना एटॉमिक मास था? माइक ओपन करो सर। 20 AMU है। 20 AMU आएगा, वेरी गुड। डी एटम कितना था? 2 AMU, है ना। 2, सो 2 AMU इनटू 2 प्लस 16 AMU, दैट्स कम्स आउट टू बी 20 AMU, वेरी गुड, है ना। ओके, और एक बार रेजोनेंस का, रेजोनेंस में हमारा आईटी का 11th रैंक का एक बच्चा था, उसका ये D2O वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। एक क्वेश्चन आया था D2O में pH वगैरह निकालने के लिए, उसने ये D2O का एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास था वो गलत निकाला था, उसकी वजह से उसका क्वेश्चन गलत, वरना उसका रैंक जो आता ना 3 से 4 नंबर गलत हो गए थे, वरना उसका रैंक जो था वो हो सकता है मतलब अंडर 10 आ जाता। तो सोचो इतनी छोटी सी मिस्टेक से भी कभी कभी चीजें जो है ना वो गड़बड़ा जाती है। नाउ T2O का क्या आंसर आएगा? 22 AMU आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, है ना। तो जो ग्राम एटॉमिक मास था उसका क्या डेफिनेशन था? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो डेफिनेशन हो जाएगा, दैट बिकम मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा, है ना।
ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो डेफिनेशन हो जाएगा मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स है ना, और वन मोल में कितने कितने वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, 6.02 into 10 to the 23. What we can do is now we'll do a question that find gram molecular mass of given molecules. Find gram molecular mass of given molecules, है ना? So molecules again वो मैं वही repeat करूंगा जो मैंने पहले दिए थे आपको O2, दूसरा मैं दूंगा N2, तीसरा मैं दूंगा आपको CO2, चौथा मेरा था H2O, पांचवा मेरा था D2O, सिक्स नंबर पे मेरा था T2O. फटाफट आंसर बताओ, 15 सेकंड है, पहले का आंसर बोलो. अच्छा देखो, तुम लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, दैट इज ओके, लेकिन जब मैं थ्योरी, जब मेरा लेवल टू प्रोग्राम चलेगा जहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो वहां मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि आपने लेक्चर देख रखा है ना. ठीक है, मैं उसको डिटेल में ही लेता हूँ. इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि थ्योरी पढ़ाना पूरा का पूरा अच्छे से, दोबारा एक बार रिकॉल कराना. ओके, तो ये रहेगा है ना. तो लेवल वन में तो केवल थर्सडे और फ्राइडे, संडे को ही केवल अपन डाउट करेंगे जो लोग लेवल वन में है ना. बाकी जिनका डेमो चल रहा है उनके लिए अभी अलाउ कर रहा हूँ, बाकी फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा है ना, इस तरीके से. सो यहाँ पे पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ाएंगे. भले अभी मोल कॉन्सेप्ट इजी टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, जब हैवी टॉपिक आते हैं तो मेरी जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है उसके बाद. अभी थोड़ा सा आसान है, आपके पास टाइम भी ज्यादा है, तो उस अभी थोड़ा सा आपको इजी लगता होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जब आपके पास सब तरफ से प्रेशर आएगा तब मेरी जरूरत ज्यादा पड़ेगी ना. तो अभी से ही मैं इस चीज को लेके चल रहा हूँ. मैं कहीं ये मान के नहीं चलता हूँ कि आपने पढ़ रखा है क्या रखा है. एक बार तो मैं बताऊंगा है ना. हम लोग एक बार तो बेसिक चीजें हर चीज क्लास में डिस्कशन में आएगी. ठीक है, ओके. चलो भाई, O2 बताओ फटाफट आंसर बोलो. 32 ग्राम O2 का. बिल्कुल 32. कैसे बताया 32 ग्राम हर्ष सर? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास में सर ग्राम में आता है. नहीं, गलत. ये पूरी दुनिया इसी तरीके से करती, गलत करती है. जैसा तुमने आंसर दिया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आंसर ग्राम में आता है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है. आपको पूरा प्रॉपर जाना है ये सब. ये जो लिखा हुआ है ना बुक्स में, एक डेफिनेशन लिखी है ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, पता है क्या लिखी है? मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, इस कॉल ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये सबसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है किताब की. बहुत कम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स, है ना, ये चीज का. तो ये बहुत जरूरी है, और मैंने अपनी मोल कॉन्सेप्ट की बुक में इस चीज का ध्यान रखा है कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, है ना, वो नहीं होना चाहिए. आपको होना चाहिए कि एक मोल का मास होना चाहिए. तो ये आपको बोलना है सर एक मोल का मास होता है. तो O2 के वन पार्टिकल का मास कितना आया था? 16 ग्राम. अरे O2 के वन ग्राम. अरे अरे O2 के, सॉरी सर, 32. 32 क्या? AMU आएगा. 32 AMU आएगा, और 32 AMU को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? ये एक का है, ये मल्टीप्लाई करना 6, हाँ, NA से मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से. ये क्या हो जाएगा? 32 into 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम into 6.02 into 10 की पावर 23, ये हो जाएगा. ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू और ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, 32 ग्राम हो जाएगा. प्रतुल, ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरीके से क्या होगा, अब आप लोग डाइट कर सकते हो क्या? 32 AMU into Avogadro number, तो आपको पता है कि 1 AMU into Avogadro number become 1 ग्राम. दिस वे यू कैन गो. ठीक है, नाउ अब आप डायरेक्टली जाइए N2 का बताओ, फटाफट बताओ कितना आएगा. 28 ग्राम. 28 ग्राम कैसे बताया? 28 AMU into NA. Into NA, that become 28. Now third answer क्या था हमारा? CO2 का. CO2 कैसे करोगे? H2O sir. H2 है क्या? Third. Sorry. So third number पे H2 है. Third पे CO2 ही था यार. Okay. हाँ, third पे CO2 ही था.
सो थर्ड पे CO2 है, CO2 का कितना आएगा? 44 grams. 44 AMU into Na, that become 44 gram. और इसके बाद क्या था हमारा H2O? H2O होगा 18 AMU into Na, that become 18 gram. और D2O कितना हो जाएगा? 20 AMU into Na, that become 20 gram. और T2O जो होगा वो क्या होगा? 22 AMU into Na, that become 20 gram, 2 gram. ठीक है भाई, है ना? बोलो, ये सही है? Yes sir. तो इस तरीके से ये हो जाएगा. Now अब ये हो जाने के बाद अब हम लोग बात, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली कि कितना ये होगा, है ना? मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने बात कर ली, वन मोल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर ली. ओके, ठीक है, इस तरीके से रहेगा. इसके बाद लेक्चर सीक्वेंस क्या था उसमें, आपके वीडियो लेक्चर में क्या था? तो या फिर यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं, अभी नंबर का देख लेते हैं डिस्कशन नंबर वाले पे, रुक जाओ अभी. तो ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से कि अपने पास मान लो वन मोल ओ एटम है और अपने पास वन मोल ओ टू मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 6.02 × 10³ यानी कि ये हो जाएगा 6.02 × 10³, ये हो जाएगा. और यहाँ पे कितने एटम्स हैं? सर इक्वल 2 × 6.02. ये मोल किसका दिया है? देखो पहले ये कलेक्शन किसका है? O2 का है. तो आपको 2Na. हाँ, 2Na आंसर आएगा इसका, ये ध्यान रखिएगा. नंबर आपको इस तरीके से समझना है, ध्यान से समझ में आएगा ना, हर समझना है 2Na कैसे आया ये? यस सर. हाँ, तो यहाँ पे 2Na एटम्स आने वाले हैं, क्लियर हो गया? और अगर हमारे पास वन मोल CO2 होता, है ना, वन मोल CO2 होता, तो हमारे पास एटम्स कितने आते? सर सी एन ए और ओ टू, टोटल एटम्स ही बताने हैं, सी का ओ का अलग नहीं बताना है. 3Na आंसर आ जाएगा. वन पार्टिकल इज हैविंग 3 एटम, वन पार्टिकल ऑफ CO2 इज हैविंग 3 एटम्स, सो Na पार्टिकल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 3Na हो जाएंगे. प्रतुल स्वान में आ गया? यस सर. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें. और इसमें अब अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन इन 24 ग्राम मास, कितना आएगा? सर 1/2 मोल. 1/2 मोल, हाफ मोल. अरे आप लोग कैसे आ जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा? सर 12 ग्राम. 12 ग्राम. क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? सर वो 12 AMU into Na. ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ वन मोल एटम्स. तो अगर आपके पास 12 ग्राम मास होता तो कितने मोल होते कार्बन एटम? वन मोल. यस, इफ वी हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन एटम होता तो हमारे पास जो मोल होते कार्बन एटम के वन मोल होते. एंड सिंस वी हैव 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम तो मोल कितने आएंगे? सिंपल आपको एलिमेंट्री मेथड लगाना है. कितना आएगा हर्ष?
हाफ अरे अभी भी हाफ नहीं टू टू मोल टू आए टू मोल सो 1/12 × 24 दैट बिकम 2 मोल यस ऑर नो है ना इस तरीके से क्या करोगे ये आपको आप जो है ना वो 2 मोल जो है ना वो आपको आंसर आ जाएगा बात क्लियर हो रही है ना नाउ यहां से मैं आपको एक चीज सिखा सकता हूं कि अब आप एक फार्मूला याद कर सकते हो दैट फार्मूला इज कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको बनाने हो कभी अब नंबर ऑफ मोल्स जो बनाने होंगे वो दो चीजों के आप बना सकते हो या तो वो आपसे एटम्स के मोल पूछेगा या फिर आपसे मॉलिक्यूल्स के मोल पूछेगा तो आपको क्या करना है आपको यहां पर अगर आपसे एटम्स का बोलेगा अगर आपसे ये कहा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स अगर बोला जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा मास ऑफ एटम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम्स अगर आपको एटम्स के मोल बनाने हैं तो दूसरा है अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है तो आपको मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है बिकॉज आपको ये जो टू मोल आया है ये टू मोल के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऐसे किया गया टू मोल को जैसे ये टू मोल है 24 ग्राम डिवाइड बाय 12 ग्राम यस और नो यस सर हाँ तो 24 ग्राम क्या था मास ऑफ द एटम था और 12 ग्राम क्या था ग्राम एटॉमिक मास था इस तरीके से आप कहां पहुंचे थे टू मोल पे पहुंच गए थे तो डिनोमिनेटर में आपको ग्राम एटॉमिक मास क्या करना होगा एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास डिनोमिनेटर में आएगा और मोल के उसमें मॉलिक्यूल्स के केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो उसमें आएगा डिनोमिनेटर में आ रहे आसान में अब जब आप मोल पे पहुंच जाना तो मोल पे पहुंचने के बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन आएगा आपसे नंबर पूछा जाएगा अब नंबर ऑफ दो चीजों का होगा या तो वो आप एटम कहेगा या फिर आपसे मॉलिक्यूल्स कहेगा ठीक है तो आपको क्या करना है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स अब मैं यहाँ डैश डैश कर रहा हूं ऐसे है ना इनटू एन ए कर लेना आपको नंबर आ जाएगा अब ये जो मैंने डैश डैश लिखा है वो मैंने इसलिए लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मोल्स एटम का हुआ तो नंबर एटम का ही आएगा नंबर ऑफ मोल्स अगर मॉलिक्यूल्स के हुए तो इनटू एन ए करने पर जो आएगा नंबर वो मॉलिक्यूल्स का नंबर आएगा जिसका मोल होगा जिसका कलेक्शन होगा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर उसी का ही आएगा मतलब जिसका आपके पास कलेक्शन ऐसे समझो जैसे वन दर्जन पेन है तो वन में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे 12 ना यस सुनो बोलो yes. तो जो 12 होंगे वो पेन ही होंगे या मोबाइल होंगे पेन होंगे सर पेन ही होंगे जिसका दर्जन उसी का नंबर आएगा 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं कहता हूँ वन मोल मोबाइल है सो वेन यू मल्टीप्लाई 1/12 यू विल गेट 12 वैल्यू किसकी 12 वैल्यू आएगी वो मोबाइल्स मोबाइल्स की आएगी क्योंकि कलेक्शन किसका था मोबाइल्स का था तो इस तरीके से क्या होगा इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मोल बनाते समय है ना कि आपने जब भी मोल देखो मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसान रहेगा आपके लिए आप मेरा एक मेरी बात आप ध्यान रखना आप हमेशा जो है ना एक मिस्टेक करोगे मोल बनाने के बाद अगर वो स्टूडेंट जो ये नहीं पूछता है कि वो उसने मोल किसका बनाया था अपने मन में हमेशा एक बार जब भी मोल आपका पेन बनाएगा हमेशा अपने माइंड में एक चीज रिवाइज करनी कि मैंने मोल किसका बनाया है अगर आप ये रिवाइज नहीं अगर आपके माइंड में ये चीज नहीं आएगा कि मैंने मोल किसका बनाया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे क्वेश्चन आते होने के बावजूद भी है ना
चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस पर क्वेश्चन पे काम करते हैं. और क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑक्सीजन सैंपल. ये रहेगा 64 ग्राम ऑक्सीजन सैंपल. फोर एन आएगा सर. फोर इंटू क्या आंसर आएगा सर? फोर. सिर्फ फोर आएगा. फोर मोल आया. क्या मोल आया? फोर मोल बना के पूछो अपने आप से किसका मोल बनाया. किसका मोल बनाया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या एटम या मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल्स? क्या डिवाइड किया है 64 में? 16 ग्राम डिवाइड किया है ना. तो ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड करोगे तो एटम्स के ही मोल आएंगे. देखो ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो. जब ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड हुआ है डिनोमिनेटर में तो मोल किसके बनाए गए हैं? एटम्स के. तो 64 में जब 16 डिवाइड करोगे तो एटम्स के ही मोल आएंगे ना. बोलो परीक्षा. बोलो. आवाज नहीं आ रही है. yes, हाँ तो एक बात बताओ, ये जो 64 ग्राम सैंपल है इसको क्या क्या किया आपने? मतलब 64 ग्राम जो सैंपल है इसको O2 माना है या O एटम माना है? O एटम. O2 क्यों नहीं माना सर? एटम बोला. कहाँ लिखा है एटम? वो तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने. 64 ग्राम सैंपल को क्या मानोगे प्रतुल? सर मैंने तो एटम माना है. मॉलिक्यूल्स नहीं मान सकते? हाँ सर मान सकते हैं. मान सकते हैं. मान सकते हैं. वो एटम सेम ही आएंगे. सेम ही आएंगे ना. ये मैंने करा रखा है उसमें वीडियो लेक्चर में करा रखा है. हाँ हाँ देखा था. हाँ सर. हाँ तो कैसे कराया था उसमें? हाँ दो मैंने ऐसे लाइन खींचा हुआ है बोर्ड पे और उसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने ऐसे एटम्स लिखा था, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल. 64 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे. हाँ तो 64 ग्राम को जब 16 से कोई डिवाइड करेगा कोई स्टूडेंट तो उसको 4 मोल मिलेगा है ना. जो इसको मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेगा वो 64 ग्राम को किससे डिवाइड करेगा? 32 ग्राम से डिवाइड करेगा. 32 से. तो ये 2 मोल मिलेगा उसको. तो मोल बनने के बाद आपको ये अपने आप से पूछना है कि आपने किसका मोल बनाया. जिसने 16 ग्राम को डिवाइड किया उसने एटम्स का मोल बनाया, वो एटम्स का मोल बनाया है. जिसने 32 ग्राम से डिवाइड किया उसने 2 मोल O2 मॉलिक्यूल्स का बनाया है. ठीक है. अब जो एटम्स के मोल्स बनाएगा वो जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा Na तो ये मोल किसके थे? 4 मोल एटम्स के थे. तो इनटू Na करने पर भी क्या होगा? आपको एटम्स के ही मोल मिलेंगे. और जो 2 मोल था यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मोल किसका आया है? ये मॉलिक्यूल्स का आया है. तो जो 2 से इनटू Na कर देगा ना, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको Na से मल्टीप्लाई कर देगा तो उसको जो नंबर मिलेगा वो मॉलिक्यूल्स का नंबर मिलेगा. लेकिन आपको नंबर किसका चाहिए बोलो? एटम्स का. एटम्स का चाहिए. और अभी किसका किसका नंबर बनाया यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स का. मॉलिक्यूल्स का बनाया. तो मॉलिक्यूल्स से एटम पे कैसे पहुंचोगे?
Each molecule is having how many atoms of oxygen? Two atoms. Two. तो into two कर लो आप atomicity से multiply कर लो into two कर लेना. तो अब आपको क्या मिल जाएगा? Four है ना? इस तरीके से आप दो तरीके से कर सकते हो. इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और भी कराया है लेक्चर्स में. वो क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोगों को? क्वेश्चन था कि एक कंटेनर है ना, दो सेपरेट कंटेनर है, इसमें O2 रखा हुआ है, इसमें O3 रखा हुआ है, यहाँ पे भी W ग्राम है, ये भी W ग्राम है. आपको रेशियो ऑफ एटम्स बताना है दोनों में. करके दिखाओ. Both container have equal mass of O2 and O3. So find the ratio. Question है, find the ratio of atoms. ये question है. Sir, 1:1. Find the ratio of atoms. Yes, the answer is 1:1. कैसे आएगा? देखा था lecture? Yes, sir. दिया था, करवाया था मैंने उसमें. Yes, sir. तो कैसे करवाया था बताओ, जरा रिपीट करो, जरा मैं समझू कॉन्सेप्ट पहुंचा नहीं पहुंचा दिमाग में. सर O2 वाली साइड पे सर जैसे हो जाएगा W ओवर 32 into Na into 2. ओके, O2 वाली जो साइट होगी, O2 में जब जाओगे O2 वाले साइट में, तो W डिवाइड बाई क्या करोगे? 32. यहाँ इसका क्या मतलब, क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स किसके? इन O2 मॉलिक्यूल. O2 मॉलिक्यूल्स के ये मोल्स बने प्रतुल, है ना? ये मोल्स बने किसके बने? ये O2 के मोल्स बने हैं. ठीक है. अब इसमें अगर कोई अगर मल्टीप्लाई करता है Na से, तो वो उसे O2 का ही नंबर मिलेगा. लेकिन हम तो आपसे किसकी बात कर रहे हैं? एटम. एटम की बात कर रहे हैं, है ना? हमें तो एटम चाहिए. 32 इंटू, उल्टा लिख दिया यार. तो यहाँ पे क्या होगा? 32 इंटू Na इंटू 2 हो जाएगा. That become O atoms. ठीक है? Yes, sir. प्रतुल ठीक है ये? Yes, sir. 2 से खत्म हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा. W divided by 16 into Na. That become O atoms. ठीक है? और अगर हम O3 की बात करें, O3 की, that become W divided by 48 into Na into क्या करना पड़ेगा? 3. तो समझ में आ गया प्रेक्षा? Yes, sir. Yes, sir. W by 48 क्या था प्रेक्षा? Sir, moles. किसके? O3. O3 के. Into Na किया तो? इनटू एन ए से क्या मिलता है? नंबर मिलता है ना. मोल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर मिलता है. तो W by 48 क्या था? मोल्स था. मोल्स को एन ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स. प्रेक्षा समझ में आया? यस सर. और इनटू 3 करोगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एटम्स. वन एटम ऑक्सीजन. हाँ, number of atoms मिल जाएंगे. ठीक है? Yes or no? Yes. ठीक है. तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर, जो है ना, यहाँ पर भी 3 से 3 ये cancel होगा, 16. W divide by 16 into Na आ जाएगा. दोनों जगह number of atoms कैसे आ रहे हैं? Same आ रहे हैं. इसलिए answer क्या आएगा? 1:1. 1:1. क्या ये क्वेश्चन बिना पेन चलाकर भी सॉल्व किया जा सकता है? यस सर. विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? पॉसिबल है? कोई बताएगा? सर मास इक्वल है O2 और O3 का. हाँ. और सर सेम एलिमेंट, मतलब सेम ऑक्सीजन के वो है, तो ठीक है. दोनों जो O3 और O2 पार्टिकल्स हैं,
वो दोनों ओ एटम से ही तो बने हुए हैं, या सुनो? यस सर। तो यार जब तक तुम एटम इक्वल नहीं लोगे तब तक मास इक्वल कैसे आ जाएगा? ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। ये वाली जो सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये क्रिएट ही नहीं होगी जब तक इस कंटेनर में ऑक्सीजन एटम और ये वाले कंटेनर में ऑक्सीजन एटम कैसे ना हो, सेम ना हो। क्योंकि अगर ओ एटम डिफरेंट है तो मास ही डिफरेंट आएगा भाई। O2 को बनाने वाला भी कौन है? O एटम। O3 को बनाने वाला भी कौन है? O एटम। तो अगर वो डिफरेंट है, अगर O एटम डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मास डिफरेंट ही आएगा। तो आप चाहते तो जो है ना विदाउट कैलकुलेशन भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो बोल सकते थे कि डायरेक्ट जो है ना वो होगा, किस तरीके से चलेगा, वो डायरेक्ट बोला जा सकता था। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं गैसेस की, बात कर लेते हैं ना। तो गैसेस क्या होती है, गैसेस के बारे में थोड़ा बताओ। गैसेस क्या होती है, किसी को नहीं पता गैस के बारे में? हाँ, हमारे मैटर के तीन फिजिकल स्टेट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। इसमें गैसेस फेज कैसे डिफरेंस करोगे सर? गैसेस हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। हाँ, गैसेस हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन। हाँ, गैसेस पार्टिकल हैविंग, गैसेस गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो होती है काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें उनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है, कम हो जाते हैं, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी कम हो जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से रहेगा। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो कम रहते हैं, और इसीलिए क्या होता है, स्पेसिंग जो होती है क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि कितना भी छोटे से छोटा अमाउंट, यहाँ पे मैं गैसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, विल डिस्कस मोर अबाउट इन गैसियस स्टेट ऑल्सो, बट एक एक प्रॉपर्टी जो हमेशा स्टूडेंट को मैं ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ कि गैसेस हैव इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ना? गैसेस हैव इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। मतलब होता क्या है कि जो गैसेस होती है ना उनमें इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है एक्सपेंड करने की और कंप्रेस करने की। छोटा सा अमाउंट जो है ना, स्प्रे जो है ना, आप अपने रूम में करो तो पूरे रूम में फैल जाता है, yes, है ना? तो इस तरीके से छोटा सा, कितने छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाते हैं, तो बहुत हाई कैपेसिटी होती है उसकी एक्सपेंड होने की, है ना? तो गैसेस को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को वो क्या कर लेता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। क्लियर हो गया? नाउ गैसेस के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एसटीपी, है ना? एसटीपी कहलाता है। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका ये फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब आज के बाद जब भी तुमसे कोई पूछे कि एसटीपी क्या होता है तो उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मत बताना। ठीक है, क्योंकि मैं 200 या 300 बच्चे मेरी क्लास में भी होते थे और मैं जब भी ये पूछता था कि एसटीपी क्या होता है, सब लोग यही बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी का फुल फॉर्म है। तो जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि एसटीपी का फुल फॉर्म बताओ, तब तक आप एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं बोलोगे। एसटीपी का जो मतलब है, मैं पहले ओल्ड वाला डिस्कस करता हूँ। तो ओल्ड में क्या था, ओल्ड में जो एसटीपी था उसमें जो टेम्परेचर रखा हुआ है गैस का, किसी भी गैस का, वो 273.15 केल्विन रखा हुआ है। ठीक है, और जो प्रेशर रखा हुआ है वो 1 एटीएम प्रेशर रखा हुआ है। ठीक है, ये रखा हुआ है। अभी जो नया वाला है, नया वाले में जो न्यू, वो भी एनसीईआरटी में दे रखा है, देख लेना। न्यू में टेम्परेचर तो अभी भी सेम रखा गया है 273.15 केल्विन, या इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, है ना? इसको 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। प्रेशर जो किया गया है वो 1 बार किया गया है।
प्रेशर जो किया गया है वो 1 bar किया गया है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो 1 atmosphere प्रेशर होता है वो होता है 1.01325 × 10⁵ N·m², और 1 bar प्रेशर जो होता है वो होता है 10⁵ N·m². तो आप ये पाएंगे कि 1 atm प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, 1 bar प्रेशर से। अगर गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा सर, घटेगा। कम गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, सीधा सा फंडा है, है ना। गैस पे प्रेशर बढ़ाने का तरीका क्या है, एक पिस्टन लगा दो कंटेनर में ऐसे करके, अब प्रेशर कैसे बढ़ाओगे इसमें, पिस्टन को कहाँ ले जाओगे, डाउन ले जाएंगे, नीचे ले जाना, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम होगा सर, प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा होगा। हाँ, तो यहाँ पे बस इतना तो कम से कम ध्यान रखो कि ये सिचुएशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम, या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा दोनों तरफ है ये, तो है ना इस तरीके से, तो ये हमेशा रहता है इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है गैस का वॉल्यूम कहाँ पर ज्यादा होगा, अगर गैस का टेम्परेचर सेम रखा जाए, 1 atm प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा या 1 bar प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, सर 1 bar पे ज्यादा होगा, बार पे ज्यादा होगा, हाँ, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर है। तो जो ओल्ड एसटीपी था, ओल्ड एसटीपी समझ नहीं लगा, हाँ समझ नहीं लगा ये चीज़। कौन सा ये है कि 1 bar में ज्यादा होगा कि 1 atm में, हाँ देखो प्रेशर कौन सा ज्यादा है हर्ष, 1 atm प्रेशर ज्यादा है ना, यस सर। तो अगर आप गैस को ज्यादा प्रेशर पर रखो तो आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो ना, यस सर, तो वॉल्यूम कम होगा, हम्म, समझ में आया, यस सर, हाँ तभी बोलना है समझ में, वरना ना बोलने में कोई बुराई नहीं है ना, हाँ हमारी क्लास में तभी बोला जाता है जब समझ में आए, वरना ना बोलने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं 100 बार समझाऊंगा, है ना, लेकिन समझ में आना चाहिए, आ गया समझ में ना, यस सर, यस। तो ओल्ड एसटीपी ये कहता है कि 1 mole ऑफ एनी गैस, 1 mole ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupy 22.4 liter volume. 1 mole of any gas at STP occupy 22.4 liter volume. ये सुनो, है ना, ये STP पर एक बात निकल के आती है, ये भी experimental fact था, और जो नया STP है, नया STP पे pressure क्या हो गया है बोलो, 10⁵ N·m² कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया ऐसे, कम हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नया एसटीपी कहता है कि 1 mole ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्युपाई 22.7 लीटर वॉल्यूम, आ गया बस वाले पूरा, कोई डाउट, 22.4 से 22.7 कैसे हुआ, समझ में आ गया ना, बोलो हर्ष, परीक्षा, प्रतुल, यस सर, डन। तो इस तरीके से नया, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं यार वो अभी ओल्ड वाला यूज करते हैं, अभी भी क्वेश्चंस वगैरह मैं देखता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ओल्ड वाले से ही आते हैं, और जितना भी बना हुआ है जब तक कहा ना जाए कि नया एसटीपी यूज करो तब तक आप लोग ओल्ड एसटीपी ही यूज करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी, अब आप देखना कि आपका जो सब्सटेंस आपको दिया गया है क्या वो गैसेस दी गई हैं, गैसेस हैं, गैसियस फेज में है, गैसियस फेज में होगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी
जो होगा वो हो जाएगा, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। इस तरीके से, लेकिन वो सब्सटेंस गैसियस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी ने आपको वाटर दे दिया और आपने वहां उठा के वाटर, मैंने कहा 10 लीटर पानी है मेरे पास और उसके मोल बताओ, तो आपने 22.4 लीटर डिवाइड कर दिया, वो गलत हो जाएगा यार। ये सब के किसके लिए वैलिड है बोलो? एसटीपी कंडीशंस किसके लिए वैलिड है? गैसेस। हाँ, 22.4 वाली जो बात है वो गैसेस के लिए वैलिड है। तो अगर गैसियस सब्सटेंस का अगर एसटीपी पर मोल्स बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? इससे बनाओगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये सुनो, बोलो। यस, गॉट इट? ठीक है। सो नाउ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। फाइंड मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, सॉरी, फाइंड द मास ऑफ, मास ऑफ 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। फाइंड मास ऑफ 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, बताओ। सर 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, 5.6 से डिवाइड बाय 22.4, इससे क्या बनेगा? सर मोल्स, मोल्स बनेंगे। मोल्स बनाने के बाद पूछो किसके मोल बने? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। एन, एन होता है, तो गैस एन के फॉर्म में होती है हमारे नेचर में अभी। हाँ, तो फिर मैंने यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ, यही सब तो गड़बड़ करोगे अगर आप एन, जो स्टूडेंट इसको एन लिख देंगे ना, वो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो स्टूडेंट इसको N2 समझेंगे वो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे मास बनाने के लिए। चल 14 ग्राम होगा आंसर। तो ये जो आएगा, ये आएगा 1/4 मोल आएगा, ये 1/4 मोल किसका आएगा बोलो? एन एटम का आएगा, एन का आएगा, एन टू का आएगा, एन टू का आएगा सर। एन टू क्यों बोला उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी गैसेस जो होती है वो कैसी होती है? वो सारी के सारी मतलब हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, वो तो इनर्ट गैसेस, उनका नाम इनर्ट गैसेस है क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में रहती है। तो ये बेसिकली एन टू है। हाँ, इसमें अगर आर्गन वगैरह आया तो अपन इसको मतलब सिंगल एटम लेंगे। हाँ, तब तो सिंगल एटम ही से मल्टीप्लाई होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 इनटू N2, N2, N2 का, N2 के 1 मोल का मास कितना होता है? 28 ग्राम। आज ही करवाया मैंने। Yes, आज ही करवाया है मैंने 28 ग्राम। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 का 28 होता है, ये 28 ग्राम होता है। तो ये जो आप लोग ये दो मिस्टेक कर रहे हो ना, ये पूरा कंट्री करता है मिस्टेक, है ना। जो हम लोग बोलते हैं ना कि बेसिक अच्छा होना चाहिए, इसी को बेसिक बोलते हैं। सोचो तुमको लेक्चर पहले से दे रखे हैं, आप लोग देख चुके हो और वही चीजें, इवन मैंने एग्जाम्पल भी नहीं बदले जानबूझ कर, ताकि मैं चाहता हूँ कि बेसिक वाला जो पार्ट है ना, मतलब एग्जाम्पल बदलने में, डेटा बदलने में 2 सेकंड लगेगा मुझे, लेकिन मैं फिर भी वही एग्जाम्पल, वही चीजें बार बार क्यों, एक बार आप वीडियो देख लो, एक बार मैं समझा देता हूँ, ताकि चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में बैठ जाए, ताकि जब एग्जाम में जब आपकी इन्फॉर्मेशन का फ्लो निकले तो बिल्कुल प्रॉपर वापस वहां से निकले, रिकॉलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपके पास पहले से चीजें होने के बावजूद और इसके बावजूद, सोचो जिनको, जिनके पास लेक्चर भी नहीं है और इस समय तो लॉकडाउन में टीचर भी नहीं है उनके पास, तो उनका क्या हाल होगा, है ना। तो कितना मास आ जाएगा? 1/4 इनटू, बोलो बोलो, 28 ग्राम। कितना आ जाएगा?
7 ग्राम आंसर 7 ग्राम। ठीक है, तो अब तक के जो लेक्चर है, इस यहाँ तक का जो लेक्चर है उसको हम लोग करते हैं अब समाप्त। और समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करेंगे, वाई मैप है ना, जो मैंने भी यूज किया था पहले लेक्चर में यूज किया है। तो हम लोग बनाते हैं वाई मैप है ना, और वाई मैप में मैंने क्या करा है, ऐसे करके यहाँ पे मूल लिखा होगा, सर्किल किया था, और इस तरीके से मैं वाई जैसा बनाता हूँ तो वाई मैप दिखाई देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम एट एस टी पी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास। ठीक है, अब अगर मुझे मास से मोल पे जाना है तो क्या किया था हमने, डिवाइड बाय एएनएम। हाँ, डिवाइड बाय करना होगा, या तो ए से डिवाइड करना या डिवाइड कर लेना एम से। ए फॉर ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, ग्राम एटॉमिक मास, और एम का, ए का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास, और एम का मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है परीक्षा, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। हाँ, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डेफिनेशन वाइज बहुत स्ट्रांग रखना, इवन केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, डेफिनेशन यूनिवर्सल है, ध्यान रखना। अगर सिलेक्शन अच्छा चाहते हो, आईआईटी एडवांस तक पहुंचना चाहते हो, तो अभी आप 11th में हो, अभी से आप आदत डाल लो, आप डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना। डेफिनेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है ना, डेफिनेशन यूनिवर्सल होती है, हमेशा अच्छे से आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम एट एस टी पी अगर आपके पास हो, मोल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, क्या क्या वॉल्यूम का, हां 22.4 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर कर लेना, तो आप मोल पे पहुंच जाओगे, 22.4 लीटर हो जाएगा। और नंबर से अगर यहां पहुंचना हो तो क्या करना, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, आगे समझ में, साइकिल में कितने व्हील होते हैं, बड़े वाले, हाउ मेनी व्हील्स आर प्रेजेंट इन अ साइकिल, इन अ बाइसिकल, टू होते हैं, कितने मोल हो जाएंगे व्हील्स इन अ बाइसिकल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ व्हील्स आर प्रेजेंट इन अ बाइसिकल, क्या हो गया, वन मोल नहीं प्रेजेंट, वन बाइसिकल हैव हाउ मेनी व्हील्स, टू, तो उसको बोल, हाँ क्या बोला परीक्षा, बोलो भाई, तुम लोग को सन्नाटा हो गया एकदम से, क्या हुआ, सर टू डिवाइडेड बाय एन है बिल्कुल, और क्या, वही तो होगा, नंबर जो पता होगा, ये नंबर पता था ना, टू व्हील्स हैं, तो यहाँ पे मोल पे जाना था, क्या किया, डिवाइड कर लिया, तो क्या आंसर आएगा, टू डिवाइड बाई एन ए। यार आपको वाई मैप में एक चीज दिखाई दे रही होगी कि नंबर से अगर मोल पे पहुंचना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, एन ए से, और अगर मास से मोल पे पहुंचना है तो डिवाइड, तो डिवाइड हुआ किससे, ए या एम से, ग्राम एटॉमिक मास से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। और अगर वॉल्यूम एट एस टी पी पे दिया हुआ है और उसके बाद अगर वहां पहुंचना है तो Divided by 22.4 तो एक चीज नहीं दिख रही है कि यार मोल बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। Yes. हर्ष Yes, sir. मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है ना, और तो मोल कहीं से भी, पर तो समझ में आ गई बात है ना, अगर आपको कभी भी मोल बनाना है अपनी केमिस्ट्री में तो हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, अगर मोल पे पहुंचना है तो, और मोल बना के कहीं पर भी जाना है, मोल से कहीं भी जाओगे है ना, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अगर मोल से मान लो मास पे आना है तो मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, जो डिवाइड किया था पहले, मास से मोल पे कैसे गए थे, डिवाइड बाय ए और डिवाइड बाय एम, तो मोल से मास पे कैसे आओगे, मल्टीप्लाई बाय ए एंड मल्टीप्लाई बाय एम, गुड,
अगर मोल से यहाँ पे जाना है तो into 22.4 ठीक है लीटर है ना, और यहाँ से यहाँ जाना है तो into NA. एक साथ बोल सकते हो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में तो बोलते हैं एक साथ, है ना, कोई समस्या नहीं है. ठीक है, तो ये आपका वाई मैप बन गया. क्लियर? हाँ, तो वाई मैप के लिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका वैल्यू बताना मुझे. y बराबर मैं दे रहा हूं आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन सैंपल माइनस Na बाई टू ऑक्सीजन एटम माइनस Na बाई फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी. ठीक है, ये मुझे पूरा आंसर जो चाहिए फाइनली वो ग्राम में चाहिए. कितना आएगा एक काम और कर लो चाहो तो, या चलो इतना करो एक मिनट. यहाँ पे माइनस कर लेना 11.2 लीटर ऑक्सीजन एटम्स एट एसटीपी. नॉट इज बिकम मोर बेटर. अब आप मुझे पूरा आंसर ग्राम में दे दीजिए. ये वाई मैप का यूज करो. कैसे यूज करोगे सुनो, देखो यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे देखो आप लोग, तो ये 64 ग्राम तो ग्राम में ही दिया हुआ है ना, इसको आप चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए. ठीक है, तो इसे आप चेंज नहीं करोगे, इसको आप चेंज नहीं करोगे ना. ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Na by 2. Na by 2 क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, मास दे रखा है, या वॉल्यूम दे रखा है? नंबर. और नंबर से अपने को मतलब यहाँ दे रखा है, इस जगह पे दे रखा है. सर वन मोल का 16 होता है तो हाफ मोल का 8 हो जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं जाना है. तो नंबर से पहले कहाँ जाओगे? मोल पे. मोल पे आओगे. कैसे आओगे नंबर से मोल पे? डिवाइड करेंगे. डिवाइड करोगे. किसको डिवाइड करोगे? Na by 2 को Na से. Na by 2 को Na से डिवाइड करोगे. तो Na by 2 को जब Na से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ मोल. मोल बनाने के बाद यहाँ पे अपने आप से पूछो क्वेश्चन मार्क में कि आपने मोल किसका बनाया, किसका मोल बनाया? ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम का. ठीक है, तो मोल से कहाँ आना है? मास पे आना है. मोल पे मास पे आने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय ए. बिकॉज आपने पहले ही अपने आप से पूछ लिया कि आपने एटम का मोल बनाया है, इसलिए आप क्या करोगे, ग्राम एटॉमिक मास से ही मल्टीप्लाई करोगे. वरना कोई क्या करेगा, 32 से ही मल्टीप्लाई कर सकता है. परीक्षा सर नहीं बात yes. है ना, इस तरीके का इसको फॉलो करो. तो क्या करोगे, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 16 से. ग्राम 16 से. तो कितना आ जाएगा? 8 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा. इसका बताओ Na by 4 कैसे लाओगे आप? Na by 4 क्या दे रखा है, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, नंबर दे रखा है? नंबर. नंबर से पहले कहाँ जाओगे? वाई मैप फॉलो करो सर. Na by 4 मॉलिक्यूल्स का आएगा. और मॉलिक्यूल से मास पे आना है तो क्या करोगे? मोल से मास पे आना है तो क्या करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करोगे. कितना मल्टीप्लाई करोगे? कितना? 32 क्या मीटर पर सेकेंड? 32 मीटर पर सेकेंड.
32 ग्राम हाँ ये पूरा बोला करो 32 ग्राम है ना तब आप मेरे स्टूडेंट कहलाओगे ठीक है तो ये क्या होगा Na by 4 divide by 4 Na that become 1 by 4 mole so 1 by 4 into 32 that become 8 ग्राम ये भी 8 ग्राम आ गया यस सर अब इसका अब ये क्या दिया हुआ है पढ़ो लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम दिया हुआ है ना तो वो यानी कि वाई मैप पे आप किस पोजीशन पर हो वॉल्यूम वॉल्यूम यहां पर है यहां से पहले कहां जाओगे मोल मोल पे जाने के लिए क्या करोगे इनटू 22.4 लीटर अच्छा मोल बनाने के लिए क्या करते हैं नहीं डिवाइड बाय डिवाइड करते हैं मोल बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड करोगे 22.4 लीटर 22.4 लीटर डिवाइड करो 5.6 को 22.4 लीटर से डिवाइड करो कितना आ गया 1/4 मोल आ गया मोल बना के क्या करते हो याद करना है किसका मोल है हां याद करना है किसका मोल है किसका मोल बनाया ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस O2 का हां O2 का बन गया 1/4 मोल ये 1/4 मोल O2 के आ गए है ना तो मास कैसे आएगा से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय कितना मॉलिक्यूलर मास 32 मीटर पर सेकंड ग्राम्स बोलो ग्राम्स 32 ग्राम्स हां तो पूरा बोला करो ना 32 ग्राम मैं कैसे समझूं कि तुम लोग क्या समझते हो तो ये 8 ग्राम आ गया ठीक है व्हाट अबाउट 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस इसका क्या आंसर आएगा ऑक्सीजन एटम्स हां एटम्स है ऑक्सीजन एटम 1/2 मोल फिर सबसे पहले 11.2 लीटर किससे डिवाइड किया 22.4 से क्या आ जाएगा 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हां ऑक्सीजन एटम तो मास पे कैसे जाओगे मल्टीप्लाई करेंगे सब 16 से 16 ग्राम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 ग्राम 8 ग्राम आ जाएगा है ना अब एक काम कर लेते हैं वाई को कैलकुलेट करके देखें पूरा वाई में 64 ग्राम तो पहले था माइनस कितना करूं 8 8 ग्राम दूसरा वाला भी कितना आया था 8 फिर प्लस 8 माइनस 8 सभी 8 ही है ना तो ये कैंसिल कर देता हूं तो 16 माइनस कर लो इसमें से ओके तो कितना 48 आ जाएगा यस यस सर तो आपका 48 आंसर आ जाएगा सो दिस वे यू कैन यूज योर y map है ना y map जो है ना वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कर लोगे यस सर तो यहां से जो है ना वो है ना एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो कर लेते हैं ताकि y map या ये मोल कांसेप्ट का सारा कुछ समझ में आ जाए और वो क्वेश्चन है फाइंड मोल्स ऑफ electrons in 1 kilogram mass electron ka mass pata hai sabko 9.6 into 10 to the power minus 12 mass of ek electron ka jo mass hai wo hota hai 9.1 into 10 ki power minus 31 kilogram ye mass 31. of one electron hota hai इस क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस है ना जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है ओल्ड ईयर का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मुझे ऐसा लगता है कि मोल कांसेप्ट का अब तक सबसे अच्छा क्वेश्चन है लोगों ने जैसा सलूशन इसका दिया हुआ है बुक्स में या दूसरी जगह पे जैसा सलूशन दिया है ठीक है उनका भी आंसर सही है लेकिन जो फील है ना वो फील नहीं समझाई है जिस फील जो फील में होना चाहिए था क्वेश्चन को वो फील नहीं दिया है तो वो चीज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे तुम्हें पता लगेगा कि किस फील से उन्होंने क्वेश्चन को दिया था शायद मैंने अपने लेक्चर वीडियो लेक्चर में भी दिया होगा ये क्वेश्चन कराया होगा क्योंकि मैं हमेशा कराता हूं ऐसा होता ही नहीं कि मैं इस क्वेश्चन को ना कराऊं अगर मैं पढ़ा रहा हूं मूल कांसेप्ट इसके बगैर मैं पढ़ाता ही नहीं हां जी
आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मास दिया सर। मास से मोल कैसे बनता है? मोल ही पूछा है मैंने आपसे। मास से मोल बनाना नहीं आता आपको सर? 1/9 मोल बनाने का क्या तरीका है? सभी लोग बताओ मोल बनाने का क्या तरीका है सर? मास ऑफ एटॉमिक डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं एक एक करके प्रतिलोम बोलो पहले सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इन जनरल बोलो ना, मास मोल बनाने का इन जनरल मेथड क्या है? क्या बताया था मैंने? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, उसी सब्सटेंस का होएगा, है ना? हां सर, यही होता है। परीक्षा सर, और यही होता है हर्ष, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो मास से मोल बनाने ऊपर में क्या लिखोगे? अगर मुझे मोल बनाना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूंगा, ऊपर में क्या लिखूंगा? यहाँ ये इस जगह पे क्या लिखूंगा न्यूमरेटर में? सर वन। वन क्या? वन केजी। केजी क्या आप? थाउजेंड ग्राम्स। हाँ थाउजेंड ग्राम सर, ग्राम में कर लेते हैं ना। मोल बनाने के लिए यूनिट कौन सी चाहिए? ग्राम। क्यों ऐसा क्यों लगता है तुमको मोल बनाने के लिए यूनिट ग्राम में चाहिए? क्योंकि अभी तक आपने देखा ना, जब भी अपन ने मोल की बात की है, जब भी हम लोग मोल की बात करते हैं हमेशा हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? ग्राम में पहुंच जाते हैं ना। एक मोल एटम का मास निकाला तो ग्राम में पहुंच गए, एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकाला तो भी ग्राम में पहुंच गए। इसलिए जो मोल है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? ग्राम वाली यूनिट के साथ है। मैं एक लैंग्वेज बोला है अभी कि मोल का सीधा संबंध वेट की जो ग्राम वाली यूनिट ना उससे है, किलोग्राम से नहीं है, मिलीग्राम से नहीं है। इसलिए आपको मास हमेशा किस में लेना पड़ेगा मोल बनाते समय? बोलो। ग्राम्स में सर। ग्राम में लेना पड़ेगा। तो किलोग्राम है इसलिए किस में जाओगे? ग्राम्स में जाओगे। हर्ष बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ तो ग्राम क्या करोगे, जो किलोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करोगे? ग्राम्स। ग्राम में। कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम्स। ऊपर 1000 ग्राम आ जाएगा। नीचे क्या लिखूं? 9.1 × 10⁻²⁸ क्या? ये तो किस यूनिट में है अभी? अभी केजी में था। नीचे तो केजी में हो जाएगा ना फिर। अभी तो केजी में है ना? यस सर। यहाँ नीचे वाला वैल्यू भी किस में आएगा? मल्टीप्लाई 1000 ग्राम कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दे तो नीचे वाला भी 1000 ग्राम में हो जाएगा। और बताओ, बस हो गया आंसर? नहीं सर। नहीं हुआ सर। मोल से तो डिनोमिनेटर में इनटू एनए भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इनटू एनए भी करना पड़ेगा? क्यों ऐसा क्यों करवा रहे हो मेरे से? सर मोल्स फाइंड करना है। मोल फाइंड आउट करने के लिए एनए से डिवाइड करते हो क्या? यहाँ पे अगर मास से मोल बनाना था इस वाले वाई मैप में, मास से मोल बनाना था तो क्या किया था आपने? ग्राम। लेकिन सर इसमें दे नहीं रखा है ना कौन सा एटम। हाँ ये वाली बात सही है, इसमें दे नहीं रखा है। बेसिकली क्या था, अगर मैं कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इन सब की बात करता हूँ तो इनके हमें ग्राम एटॉमिक मास याद रहते हैं, है ना? और पूरे कंट्री में लोगों को याद रहते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उस डेफिनेशन को स्किप मार जाते हैं, जो चीज मैं समझाना चाह रहा था। मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी बोला था मैंने डिवाइड। हाँ डिवाइड करना पड़ता है। अब यार अपने आप से पूछो किसको डिवाइड करोगे? एवोकाडो नंबर सर। नहीं डिवाइड बेसिकली देखो कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ मास है ना, तो मास में मास ही डिवाइड हो रहा है। देखो ध्यान से, ए और एम तो मास ही तो है, ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ही डिवाइड हो रहा है।
यहाँ नंबर दिया तो नंबर में नंबर ही डिवाइड हो रहा है। अच्छा हाँ सर। तो अगर मास दिया है तो मोल पे पहुंचना है तो मास पे मास डिवाइड होगा, नंबर दिया है और मोल पे पहुंचना है तो नंबर में नंबर ही डिवाइड होगा, और वॉल्यूम दिया है और मोल पे पहुंचना है तो क्या होगा, वॉल्यूम ही डिवाइड होगा। लेकिन नंबर में नंबर डिवाइड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम डिवाइड होगा, मास में मास डिवाइड होगा। तो एक मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक मास आपको दिया है, कौन सा मास दिया है? 1 kg ये दिया है। और दूसरा मास जो नीचे डिवाइड होगा, या तो ये आपको याद होगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझना, या तो आपको याद होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर मैं सोचो, अगर मैं ये क्वेश्चन देता, ऐसे क्वेश्चन देता, फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन इन 1 kg मास, तो कैसे करते? 1000 ऊपर में क्या लिखते? 1000 ग्राम लिखते, और नीचे में क्या लिख देते? ये तुमको याद था ना यार, ये क्या है 12 ग्राम? क्या है ग्राम? एटॉमिक मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप कहते हो ना कि मास में मास डिवाइड करो, वो नीचे 1 मोल का मास डिवाइड होता है। जब आप कहते हो नंबर में नंबर डिवाइड करो, देखो आप यहाँ पे, ये 1 मोल का नंबर है यार, ये 1 मोल का वॉल्यूम है, ये 1 मोल के मासेज हैं। तो मास में मास डिवाइड होता है, मेरे साथ डिवाइड रिपीट करो, मास में मास डिवाइड होता है, लेकिन 1 मोल का मास नीचे डिवाइड होता है। नंबर में नंबर डिवाइड होता है, बोलो, नंबर में नंबर डिवाइड, लेकिन 1 मोल का नंबर डिवाइड होता है, है ना? वॉल्यूम में वॉल्यूम डिवाइड होता है, लेकिन 1 मोल का वॉल्यूम डिवाइड होता है। और 1 मोल का वॉल्यूम या 1 मोल का नंबर या 1 मोल का मास कैसे निकाला जाएगा? जब आपको एक का मास पता होगा। ये 12 ग्राम कैसे आया था सबसे पहले? एक का मास, हाँ, ग्राम एटॉमिक मास, पहले हमने एक का मास निकाला था, उसमें एन से मल्टीप्लाई किया था तब निकाला था। तो ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे 9.1×10⁻³¹ जो दिख रहा है ये वाला, ये कितने का दिख रहा है? कितने का सर? 1 का है, इसीलिए 1 मोल का निकालने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर जो आएगा वो 10⁻³¹ ऊपर चला जाता है, 9.1×6.02×10³³। फील आया नहीं आया मोल का, बताओ? यस सर। हाँ, मोल कैसे बनता है? डिवाइड कर, बोलो, डिवाइड करके सर, डिवाइड करके, डिवाइड करके बनता है। डिवाइड किसको करते हो सर? नंबर को नंबर से, या फिर मास को मास, को मास से, वॉल्यूम को वॉल्यूम, वॉल्यूम को वॉल्यूम से। नीचे डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू आती है सर? 1 मोल की वैल्यू आती है। 1 मोल की वैल्यू तक पहुंचने का क्या तरीका है? 1 का पता हो, उसमें एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 मोल का मिल जाएगा। यस सर, है ना? इसकी okay. इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करने के जो आईटी के क्वेश्चन का और भी तरीका है, लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा तो जो मोल की फील है ना वो खत्म हो जाएगी। मतलब अब हमारे जो स्टूडेंट है वो ये बात को समझ गए होंगे कि अब मोल एक्चुअली कैसे बनता है। बात फंडामेंटली क्लियर है? यस सर। मोल बनाने वाली बात क्लियर है? वाई मैप क्लियर हो गया? यस सर। यस, एक बार चाहो तो इसके लेक्चर फिर से रिपीट कर लेना, है ना? और हमारा टाइम हो गया है, कल की क्लास में हम लोग जो है ना डीपीपी डिस्कशन जो है ना वो करेंगे। केमिका वीआईपी ऐप में जो है ना, अच्छा अभी आर्यन अभी तो आपको नहीं जोड़ूंगा, देखता हूँ, चलो
तो जो केमिका वीआईपी ऐप है ना, वीआईपी जो बैच है ना, उसमें मैं डीपीपी ऐड कर दूंगा ना, और उसमें देखता हूँ कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना होगा तो मैं उसमें इंस्ट्रक्शन भी डाल दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा अभी 10-20 मिनट का, मैं बाहर जाऊंगा रूम से, है ना, थोड़ा सा एंजॉय की सो है, मैं उसके बाद में डाल दूंगा, ठीक है? Yes. आप लोग भी थोड़ा सा अभी वॉक ऑफ कर लो बाहर, थोड़ा सा काफी देर से कमरे के अंदर हो गए सर। हाँ बेटा सर, तो अब जो कल की क्लास होगी वो मॉर्निंग में है कि फिर इसी टाइम पे? नहीं, 9:00 ही फिक्स है टाइम, 9 है ना, क्लास ही रहेगा 9 PM। हाँ 9 PM रहेगा। आप बिल्कुल ना हो तो आप मुझे बिल्कुल आप ऐप पे जरूर केमिका वीआईपी ऐप पे जरूर देखा करो, और मुझे है ना 10 मिनट पहले आप देख लिया करो, 10-1 मिनट पहले मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर पे, और मैं जो है ना सर अब तो फ्राइडे को क्लास होगी ना? नहीं कल होगी, थर्सडे को लेवल 1 वालों की क्लास होगी ना, डाउट क्लास आपका, लेवल 2 वालों का चलो MWF जो लेवल 1 लेवल 2 में है ना, दोनों में है, उनकी 5 डे क्लास होने, 5 डे क्लास हो जाएगी, ठीक है अभी? ओके उनको 5 डे। सर एक और चीज, हाँ कल केवल डिस्कशन करेंगे डीपीपी का, है ना, जितना देर हो जाएगा 15 मिनट 20 मिनट 25 जितने देर है, पूरा नहीं चलेगा वो क्लास, जितने देर में डिस्कशन हो जाएगा उतना देर में खत्म है ना। सर एक और चीज है। हाँ सर, एक ना मेरा फ्रेंड है वो भी लिंक मांग रहा था, कहता भेज देना मेरे को। नहीं लिंक हर आदमी को, हर आदमी को यूनिक लिंक मिलता है ना, उसको बोलो कि, और ऐसा मत करना यार देखो, इट्स नॉट एथिकल फॉर यू, है ना, क्योंकि मैं अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा कि कोई फायदा नहीं है उस वाले। नहीं वो कह रहा था एक बार ना मैंने भी लगना है क्लास। हाँ तो डेमो के लिए आप उसे बुला लो, मैं उसे अलग से डेमो कर दूंगा, है ना। तो सर डेमो के लिए कैसे, मतलब समझ नहीं लगा। अब डेमो के लिए अभी तो बीच में आएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, है ना, उसको मैं मॉर्निंग में अलग से एक लेक्चर पढ़ा देता हूँ, ठीक है, डेमो क्लास के लिए, तो मैं उसको इसमें जोड़ दूंगा, बाकी तुम उसको बता देना कि ठीक चल रहा है सारी चीजें, वो तुम बता देना, और कोई भी मिसयूज नहीं करे। देखो एक्चुअली क्या है कि आप लोग ऐसे मिसयूज करोगे ना तो आज इस समय लॉकडाउन के पीरियड में मुझे भी अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं, आई डोंट हैव एनी जॉब राइट नाउ, है ना, और ये सब चीजें जो चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो जूम का हो, या आईपैड या स्क्रीन, जो आज जिस स्क्रीन से मैं शेयर करता हूँ आपको, इज ऑल्सो पेड, एवरीथिंग इज पेड एक्चुअली, सबको मैं पे कर रहा हूँ, तो ये एथिकल नहीं है, कोई भी ऐसा ना करे। हाँ लोग आप बताएं उनको, है ना, लेकिन उनको शेयर नहीं करें, है ना, फिर तो ठीक नहीं रहेगा, शेयर तो नहीं। हाँ ठीक है, और इस जूम आईडी आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि जूम आईडी यूनिक है सभी का, है ना, वो अलग अलग आएगा सबको, वो अलग आएगा, ठीक है, तो ऐसा कर लेना, तुम बस ये बता दो, मैं उसका अलग से, है ना हर्ष, ठीक है, यस सर, हर्ष मैं उसकी अलग से क्लास ले लूंगा, कोई भी प्रतुल प्रेक्षा कोई भी आपके फ्रेंड्स या कोई भी होंगे तो उनको मैं मॉर्निंग में क्लास लेकर जो है ना, जैसे मैंने प्रतुल को, मैंने प्रतुल ने बोला कि मुझे सर ज्वाइन करना है तो वो एक लेक्चर पीछे था, तो मैंने उसको पहले मोबाइल ऐप में ऐड किया, उसने एक लेक्चर देखा, होमवर्क किया, मैं और प्रतुल जो है ना हम लोग करीब 8:20 पे आ गए थे क्लास में, समझे, तो 20 मिनट हमने आपस में डिस्कशन किया लेक्चर 1 का, उसके बाद मैं उसे लेक्चर 2 में लेके आया हूँ, है ना। सो प्रतुल आप हाय बोल सकते हैं हमारे नए, हमारे बाकी लोगों को, है ना, ठीक है। यस सर, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो, ये अभी एक अच्छा क्लासरूम बनता जा रहा है, सब लोगों का बढ़िया, है ना, आप लोग अपने दोस्तों को बताएं, बिल्कुल एक अच्छा बैच, और 25 बच्चे लेने बंद कर दूंगा एडमिशन उसके बाद, वैसे भी ज्यादा लेने ही नहीं, है ना, अगर जल्दी से जल्दी हो जाए तो एक फ्लो भी बन जाएगा इस बैच का, बढ़िया रहेगा, तो बताइए तो, लेकिन मिसयूज मत करना, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, ठीक है प्रतुल, ओके, है ना, यस, तो फिर मैं आपको कल डाउट सेशन में उसके बारे में बता दूंगा। हाँ डाउट सेशन में उसको, या उसको मॉर्निंग में लाना है, जैसे भी बात करके उससे, मेरे आपके पास तो नंबर भी है मेरा पर्सनल, मेरा नंबर है, यस सर, तो तुम चाहो तो उसके फादर बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहता है, उसकी मॉर्निंग में कोई क्लास लेनी है तो वो ले लूंगा मैं, और फिर आपके बैच में जोड़ दूंगा, क्योंकि यार देखो अपन लोग मोल पे पहुंच चुके हैं, अगर उसको अभी बीच में लाएंगे उसको समझ में ही नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा उसको, है ना, तो इसलिए क्या है कि उसको अब यहाँ पे बैच में वही बच्चा आएगा, उसको पहले, अब तो आप लोग आगे निकल गए हो,
आप तो उसको है, जो है ना अलग से पढ़ा के आप फिर आपके बैच में जोड़ देंगे। मॉर्निंग में भी दो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे 7 से 8 लोग हैं उनको पढ़ा के एक लेक्चर वो पीछे चल रहा है, फिर मैं आपको जोड़ दूंगा आपके साथ। ठीक है चलो एंजॉय करो है ना। ठीक है बाय 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 सर बाय सर। प्रतुल अच्छा लगा? यस सर। हाँ एंजॉय कॉन्फिडेंस? हाँ कॉन्फिडेंट आप कहते हैं। हाँ पूरा कॉन्फिडेंट है। ठीक है बस आप बाकी जब आपको फॉर्मेलिटीज करना हो तो आप बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। शेयर या लिंक शेयर कर दूं? मैं बताऊंगा सर। हाँ श्योर श्योर ओके 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 सर।